आपनकु स्वागत सेफालिस रेसिपी की। आज आम बनवा शिंब राई या शिंब बेसर। ये बहुत ही टेस्टी लगी थाए आउ बनवा बहुत ही सहज आउ ये झटपट से 10 मिनट रे बनिकी रेडी हो जिबो। तो चलंतु आज रेसिपी स्टार्ट करिबा। शिंब राई पई मु 100 ग्राम शिंब नेइछि। आकु भल से धोई कि एई परि भाबरे लंबा लंबा करिकि काटि नेइछि। आउ गोटे बड़ साइज रो टमाटो को भी छोट छोट करिकि काटि कि नेइछि। मसला पई मु गोटे छोट रसुन रो चोपा छड़े कि नेइछि। आउ 1.5 चम्मच सोरिष नेइछि। सोरिष रो आधा जीरा या गोटे चम्मच तो टिके कम जीरा नेइछि। एबे एथिरे टिके पानी देकि आकु भल से चिकन करिकि ग्राइंड करि नबा। मसला भल से ग्राइंड हो जाइछि। ताकु एई परि भाबरे पूरा चिकन करिकि ग्राइंड करिवे जेमति कि एथिरे किछि खदड़िया अंश न रहिबो। सब रेडी हो जाइछि। तो चलंतु एबे आकु बनै नबा। सेथि पई मु गोटे कड़ई गरम करि नेइछि। एबे एथिरे 3 चम्मच रिफाइन तेल देइ दबा। आपण चाहिले सोरिष तेल रे भी व्यवहार करि परिबे। तेल गरम हेला परे एथिरे 2टा सुखिला लंका आउ आधा चम्मच पंच फुटण पकेइ दबा। फुटण भल से फुटी आसला परे आमे एथिरे काटिकी रखिथिबा शिंब पकेइकी गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत लो टू मीडियम फ्लेम रे फ्राई करि नबा। फ्राई करिबार 2 मिनिट हेइ गलाणी। आपण देखि पाथुबे शिंबर कलर चेंज हेइ जाइछि। ता माने ये भल से फ्राई हेइ जाइछि। एबे एथिरे काटिकी रखिथिबा टमाटोस देइ दबा आउ बेसर मसला देइ दबा। जेतिकी बेसर मसला नेइछे सेतिकी पानी या गोटे गिना पानी देइ दबा आउ आधा चम्मच लंका गुंड स्वाद हिसाब रे लूण या आधा चम्मच लूण देकी सब को भल भाव मिक्स करी नबा। मिक्स करिकी आकु मीडियम फ्लेम रे घोड़ेकी हबा को दबा जेपर्यंत शिंब न सिझि जाइछि। घोड़ेकी हबार 5 मिनिट हेइ गलाणी। एबे घोड़नी खोलिकी देखिबा ये हेइछि कि नाही। आपण देखि पाथुबे शिंब बहुत भल से सिझि जाइछि। जदि आपणक शिंब सिझिनी ताहाले आकु घोड़ेकी आउ टिके समय पर्यंत हबा को देबे जेपर्यंत ये न सिझि जाइछि। एबे एई परि भाबरे आउ टिके समय पर्यंत हबा को देबा जेपर्यंत ये सुखा सुखा न होइ जाइछि। शिंब को हबार आउ 4-5 मिनट हो जाइए। शिंब राई भल से सुखा सुखा हो जाइए। आपण चाहिले आकु आउ टिके झोझोया रखिपारे। एबे एथिरे टिके धनिया पत्र पकेइके सब को भल भाव मिक्स करके गैस बंद करदेबा। शिंब राई बनिकी रेडी हो जाइए। एबे आकु प्लेट को बाहर करनवा। आपण आकु गरम भात सहित खाई किंतु ये पखाळ सहित बहुत ही भल लगी थाए। आपण एहिपरि भाव बनातु। आपण को निश्चिंत पसंद आसीबो। थैंक्स फॉर वाचिंग।